नमस्कार, आज सरिताज किचन में हम हरे मटर की उसल और चावल के आटे का ढोसा बनाएंगे। इस चलिए बनाते हैं। हमने तेल डाला, तेल डाल के हमने कांदा राई जीरा का तड़का दिया, फिर एक टमाटर घिस के हमने इसको फ्राई किया है। अभी मसाले देखिए, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये ना गिल्ला खोबरा है वो डालेंगे घिस के, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अभी इसमें हम मटर डाल देंगे, मटर डाल के भी अच्छे से भून लेंगे इसे। ये उसल है ना, बहुत टेस्टी लगता है। और सब्जी ना हो, फटाक से अपना फ्रोज़न मटर तो रहता ही अपने पास, फटाफट ये सब्जी बन जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए भून के हो गया हमारा सब्जी। अब हम पानी डालेंगे, एक गिलास और दो गिलास हम पानी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब उबाल आ गया है हमारे सब्जी में, और सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। देखिए नमक डाल के अब 2 मिनट के बाद हमारी सब्जी तय हो जाएगी। अब देखिए सब्जी रेडी हो गई हमारी, हरे मटर की उसल। अब गैस बंद करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे, चाहे पाव के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ। लेकिन मैंने चावल के आटे का मैंने डोसा बनाया है, इसके साथ ये सब बहुत टेस्टी लगती है। देखिए हमारे हरे मटर की उसल और चावल के आटे की डोसा कितना टेस्टी, कितना यम्मी। थैंक यू।